यह कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि बहुत से लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं, इसी वजह से वह अपना आज खो देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर वक्त वह अपने आने वाले कल के बारे में सोचा करते हैं, हर रोज़ एक ही बात सोचकर परेशान हुआ करते थे कि अगर मेरे भविष्य में बहुत सारी परेशानियां हुई तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तभी उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि हमें आने वाले भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम वर्तमान पर ध्यान देंगे तो हमारा भविष्य ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन वह आदमी यही कहता था कि मुझे इस बात की चिंता हमेशा रहती है कि हमारा भविष्य पता नहीं कैसा होगा। अगर हम आज के बारे में सोचते रहे तो हम कल को कैसे सुधार पाएंगे। शायद वह अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और इसी चिंता में हमेशा लगा रहता था। वह आदमी लकड़ी के बनाने का कार्य करता था और लकड़ी के सामान ही बनाया करता था। वह अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता था क्योंकि वह मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा यही बात सताती रहती थी कि वह भविष्य में अपने लिए कितना धन जोड़ पाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तभी उस आदमी का मालिक आया और कहने लगा कि तुम काम तो बहुत अच्छी तरह से करते हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं थोड़ा सा बस सोचता रहता हूँ। तो उसका मालिक कहने लगा कि हमें सोचने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा वक्त सोचने में ही लगा देंगे तो इससे हमारे कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मालिक बात कहकर वापस चले गए, लेकिन वह आदमी फिर अपनी सोच में डूब गया और उस सोचते सोचते अपना कार्य करता रहा। तभी वह आदमी कुछ चींटियों को देखने लगा। चींटियाँ अपने लिए खाना ले जा रही थी और उन्हें इकट्ठा कर रही थी। तभी आदमी सोचने लगा कि जब चींटियाँ अपने भविष्य के लिए इकट्ठा कर रही हैं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपने लिए धन बचा सकूं। वह आदमी अपने मालिक के पास गया और कहने लगा कि मुझे अपने भविष्य के लिए धन बचाना है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है जिससे मैं धन को बचा सकूं। उसके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही एक नया काम लेकर आऊँगा जिससे तुम्हें काफ़ी धन प्राप्त होगा और उस दिन से तुम आने वाले भविष्य को सुधार सकते हो। उस आदमी की परेशानी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि मालिक ने उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए एक बात कही थी जिससे कि उसे धन प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत गए, तभी मालिक उस आदमी के पास आया और कहने लगा कि हमें एक काम मिला है, अगर तुम उसे करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें काफ़ी धन प्राप्त होगा। तभी आदमी कहने लगा कि मुझे वह कार्य करना है जिसे मैं भविष्य के लिए धन को जोड़ सकूं। तभी मालिक कहने लगा कि हमें वह काम मिला है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर बनाना है और तुम्हें उसमें एक महीने तक काम करना होगा, जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें काफ़ी धन प्राप्त होगा जिसे तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो, क्या तुम खुश हो। और आदमी कहने लगा कि मैं कल से ही उस काम पर चला जाऊंगा। उसके बाद वह आदमी उस काम पर चला गया और एक महीने तक लगातार काम करता रहा। उस आदमी ने बहुत मेहनत से फर्नीचर को तैयार किया था और वह इस काम को बहुत लगन से कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य के लिए उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। वह आदमी एक महीने तक काम को करके घर आया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी तबीयत अब ठीक नहीं
लग रही थी। उसका मालिक कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह एक महीने का काम है, अगर तुम कर सकते हो तभी हाँ कर देना, लेकिन तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। उसके बाद मैं आदमी घर पर ही रहा और कुछ दिन तक आराम करता रहा और उसने बहुत सी दवाइयाँ मिली जिससे कि उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी उस आदमी की पत्नी बोली तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए था जिससे कि तुम्हें परेशानी हो सके, तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके हो, तुमने काम तो किया लेकिन जितने महीने तुमने काम किया उससे आधे महीने तुम बीमार की हालत में ही रहे, ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तभी वह आदमी कहने लगा कि मैंने एक महीने का काम करके बहुत अच्छा धन कमाया है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने धन तो कमाया लिया लेकिन जब तुम बीमार पड़े तो उसमें से आधा धन तुम्हारी बीमारी में ही चला गया, तुम्हें धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जिस धन के लिए तुम काम करने के लिए गए थे वही धन तुम्हारी तबीयत खराब कर चुका है। वह आदमी समझ चुका था कि अगर हम धन के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे तो यह हमारे लिए परेशानियाँ लेकर आएगा। यह सभी परेशानियाँ ही धन की वजह से मिली हैं और वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था जबकि उसे वर्तमान की चिंता करनी चाहिए थी। वह बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर हम अपना वर्तमान अच्छा रखेंगे तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा, हमें भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद से यह आदमी हमेशा खुश रहो और अपने काम पर ध्यान दिया। आपको भी अपने वर्तमान की चिंता करनी चाहिए क्योंकि इससे ही हमारा कल अच्छा होता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और भी इसी प्रकार की कहानी की वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।